आखिर में तो देखा पार्वती माता गणेश जी को उठा लिए है, उसके उनके बगल में सुब्रमण्य स्वामी है, हर के साथ यहाँ है नंदीश्वर है, गढ़ है, शुंगी शुंगी सभी लोग यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंगों के साथ सभी लोग यहाँ विराजमान हैं। अगर समझो हम हमारे घर में एक एक करके बच्चे को माता को सबको बुला के ले गए तो उनका पति भी आज त्यौहार है हमारे घर में आओ तो वो भी जरूर आएंगे। तो आज हमने पहले शिव जी को ही कहा कि प्रभु आप यहाँ आइए, हम सहस्त्र लिंगार्चन कर रहे हैं, आपका यहाँ आह्वान है, आप हम पर कृपा करिए, आशीर्वाद दें। तो ऐसी ही अर्चना रावण ने हर महाशिवरात्रि को की थी। महाशिवरात्रि के दिन रावण जब यह पूजा करता था अपने पास से जाकर, उनको एक दिन उनके माता को लेकर भी गया, कैलाश पर्वत को गया और भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु मेरी माँ बहुत थक गई, वो रोज तुम्हारे समुद्र के किनारे तुम्हारा मृतिका का शिवलिंग बनाकर पूजा करती है, लेकिन समुद्र ऐसा है कि वो आकर बहा देकर वो मिट्टी से बने हुए शिवलिंग को रोज जाता है और वो बहुत अपने आप में दुखी होती है, तो मेरी एक इच्छा है। शिवजी रोक के शिव जी कहा तेरी इच्छा मत बोल, रुक जा। अरे प्रभु मेरी इच्छा बोलने से पहले आपने मुझे रुका दिया, क्यों क्या बात है? तो क्या मैं तेरी इच्छा पहचानता हूं? बोले प्रभु आपको तो पता है मैं जब भी आपके पास आया जो भी मांगा मैं आपके पास से लेकर गया, मैं तो इतना हठी हूं, इतना हठयोग वाला हूं, मैंने कैलाश पर्वत को अपने सर पर उठा लिया था, कैलाश पर्वत को हिला दिया था, मैंने अक्षय पात्र मांगा, मैंने स्वर्ण की लंका मांगी, मैं दरिद्र नहीं जीना चाहता था, वो दरिद्रता नहीं, मुझे दशकंठ दिए आपने, मैंने आपका स्तोत्र किया, मैं कभी भी आपके द्वार से खाली नहीं गया और आज भी कहता हूं मैं खाली नहीं जाऊंगा, मैं यह मांगता हूं उसे आपको देना ही है। माता पार्वती क्या प्रभु आप रोक रहे हैं और ये रावण क्या मांगना चाहता है, क्या करना, क्या कर रहा, क्या चाहता है? तब पार्वती को शिव जी कहते हैं अगर वो मांग लिया तो हमारा कैलाश खाली हो जाएगा, ऐसी क्या बात है वो मांगने वाला है? उसने कहा जब तक मेरी माँ जिंदा रहेगी, कि माँ जिंदा रहेगी आप शिव और पार्वती दोनों भी आकर लंका में बस जाओ, मैं आपको सोने की सीट पर बैठाता हूँ, फैला छोड़ो। अरे ये कोई मांगने की बात होगी? आपको ये करना ही होगा, आप दोनों माँ शिवजी और पार्वती मेरे लंका को आकर रहना, को मेरी माँ तुम्हारी रोज पूजा करेगी, आप जैसा चाहते हैं वैसा सोने का वज्र पुष्प से आपकी पूजा की जाएगी, सोने के फूलों से आपकी पूजा की जाएगी, आप जो कहेंगे वो मैं आपको प्रदान करूंगा, मेरी माँ के खातिर आपको लंका को आप दोनों को आना ही होगा, माता पार्वती को और आप। मैं पार्वती को शिव जी बताया मैं तेरे को पहले ही बोला वो अब ऐसी चीज मांगेगा कि कैलाश खाली हो जाएगा, अब वो मांगा उसको बोल क्या करना है? रुद्र बोले इससे छोड़ के तू कुछ भी मांग ले मैं देने के लिए तैयार हूं, प्रभु आपको पता है मैं इसके सिवा आपको कुछ मांगता ही नहीं, मांगूंगा तो यही मांगूंगा। बोले तू कुछ भी बोल ले, मेरे बदले में मैं तुझे एक शिवलिंग देता हूं और तू उसको घर में स्थापन कर दे, मैं वहां जब बुलाएंगे तब मैं आऊंगा, आपको ही आना है। अब पार्वती और शिव जी दोनों भी गायब हो गए वहां से, दोनों भी गायब हो गए। तो रावण बैठा रहा देखता रहा कि आप मेरे से छल करते हैं प्रभु, मेरे से शिष्य से जो आपको अपने आत्मे निकाल कर आपका पूजन करता, आपके सामने मेरा 10 सिर काट कर मैंने तुम्हें समर्पण किया है, आप चल जाते हो तो आपको ये चाहता है, आपकी इच्छा है कि मैं सर काट दूं? फिर नारद भाग के आए, अरे बोले हे रावण मैं तुम्हारा भाई हूँ, मानस पुत्र तुम भी मैं तुम्हारा भाई लगता हूँ, ब्रह्मा जी के पुत्रों में तुम पुलस्त के नातू लगते हो, तो तुम ये क्या क्या चाह रहे हो? अरे मैं अभी पूछ रहा था दोनों गायब हो गए शिव जी और पार्वती, फिर क्या करना है? तो उन्होंने कहा
तेरी इच्छा पूर्ण कर हो सकती है, लेकिन ऐसी नहीं तूने जैसा आज मांगा है। तो वो रुष्ट होकर चले गए, उनको प्रसन्न करके मांगना है, उन्होंने प्रसन्न करके जो देना चाहते वो ले ले, तेरे माँ को भी अच्छा। फिर उसकी माँ ने भी रावण को समझाया कि ये रावण वो कैलाश छोड़ के कैसे अपने घर में आके रहेंगे, कुछ ऐसा कर कि वो प्रसन्न होकर हमें दे दें। तो अब तो गायब हो गए हैं, अब कैसे आएंगे। रावण ने कहा कि प्रभु जो कुछ तुमने मुझे दिया है आज मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ, आपको प्रसन्न होकर मुझे जो भी देना है दे, मेरी माँ कहती है तो आपको आना है, आपको मुझे प्रसन्न होना ही है। अब नारद देख रहे थे कि प्रसन्न कैसे करेगा, जो रूठे हुए शंकर हैं, भगवान चले गए, पार्वती माता भी नहीं है, रूठ गए हैं, कैसे प्रसन्न करेंगे। तब रावण ने अपने आंखें मूंद ली और अपने तात और सारे ब्रह्मा सारे देवताओं को साक्षी मानकर उन्हें कहा, हे रुद्र तुम्हें प्रसन्न होना ही है, मैं एक एक बीजाक्षर से आपको मेरे शरीर का एक एक अंग अर्पण करूंगा और आपको प्रसन्न होकर मेरे पास आना है। उन्होंने पहला बीज बोला कम, उनका मतलब है आओ नहीं, संस्कृत का कम, बीजाक्षर कम। उसके बाद उसने कहा रम, अग्नि तत्व है। उसके बाद उसने कहा वम, उसके बाद कहा ध न, उसके बाद कहा वो दम, चम, न्यम, चम, उ, न, हम, और दम जैसा ही बोले शिव आगे, बोले तू क्या कर रहा है, ये बीजाक्षर तुझे किसने दिए। बोले अमृत भांड में तुमने जो दिए हैं ये बीजाक्षर तुमने मुझे ही दिए, तुम्हें प्रसन्न होना ही। शिवजी रुद्र सामने आए और कहा तुमने इतने गुस्से वाले को तो शांत कर मुझे प्रसन्न कर लिया। प्रभु मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, आज आप मुझे प्रसन्न होगे, आप प्रसन्नता से आप मुझे जो भी दोगे और मेरी माँ जो भी ले जाएगी मैं उसके लिए श्रेष्ठता के साथ मैं लेकर चला जाऊंगा, लेकिन प्रसन्नता के साथ जो वो मेरी माँ कहती है। तो माता पार्वती भी प्रसन्न हो गई और कहा कि तूने इस बीजाक्षरों को कहाँ से लिया। उसने कहा मैं रुद्र को जानता हूँ और उनके पास से इन चीज़ों को ले उनको कैसा प्रसन्न करना ये भी जाता हूँ, और इसके इस बीजाक्षरों के पीछे क्या रहस्य है यह भी मैं जानता हूँ। कम बीजाक्षर किसके लिए बोला जाता है, कम बीजाक्षर शिवजी के इस ब्रह्मांडमय जग में उनके जो शिष्य हैं उन सभी सारे लोगों का बीजाक्षर है। रम वो अग्नि तत्व है जिनका रुद्र नेत्र है, वम वो उनका जो संसार में है उनके शरीर पर रखने वाली गंगा माता को है। यानी रावण कह रहा था मैं एक इन इन लोगों को लेकर जाता, कम पहले तुम्हारे शिष्यगणों को ले जाऊंगा, बाद में तुम्हारे अग्नि तत्व रुद्र को नेत्र को ले लूंगा, बाद में तुम्हारी गंगा को ले लूंगा। अब ये सब ले लिया तो रावण की स्थिति क्या हो जाएगी, तुम्हें प्रसन्न हो, ये सभी रहने से तो तुम प्रसन्न हो, तुम नीलकंठ में विष धारण करे हो, तुम्हारे पास ये सब कुछ है तो मैं तो ये ले सकता हूँ। तब रावण प्रसन्न हुए और कहा कि हे रावण दशकंठ, मैं आज तुझ पर प्रसन्न हुआ और मैंने आज तक मेरा आत्मलिंग किसको भी नहीं दिया है, माता पार्वती कुछ भी कहे मैं तुझे आत्मलिंग प्रदान करता हूँ। नारद वहीं खड़ा था, बोले ये शिव जी क्या कर रहे हैं, रावण जैसे राक्षस आदमी को जिसके विचार ठीक नहीं उसको आत्मलिंग प्रदान कर रहे। रावण प्रसन्न हो गया, उनकी माँ प्रसन्न हुई और अपने आत्मलिंग को रावण को दे दिया। तो रावण खुशी अपने घर जाने लगा, शिव जी के चरणों में नमस्कार किया, लेकिन वो फिर पलटा और कहा प्रभु मेरी याद में रावण की याद में आप एक वरदान दो। बोले क्या, समय के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन इन बीजाक्षरों का जैसे मैंने जप किया है वो 6000 बार जो इसका जप करेगा तुम इसको प्रसन्न होगी, उसकी इच्छा पूर्ण करोगे, ये वरदान दो। माता पार्वती की तरफ देखे और कहा कि ये क्या कह रहा है। उन्होंने कहा महाशिवरात्रि के दिन जहां शस्त्र लिंगार्चन हो वहां इन बीजाक्षरों को जो भी उच्चारण करेगा 6000 बार उसके ऊपर रुद्र प्रसन्न होंगे ही होंगे और उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे, ये वरदान दो।
माता पार्वती ने देखा, प्रभु जहाँ आपका सहस्त्रलिंग अर्चन होता है वहाँ तो आप रहते ही हैं, और जो इस मंत्र को बोलकर जो भी इच्छा आपके सामने व्यक्त करेंगे आप प्रसन्न होकर उनको ये दे देंगे, ऐसा रावण के कहने पर माता पार्वती ने भी मंत्र कहा कि इस मंत्र इन बीजाक्षरों को जो आज के दिन 6000 मंत्र जप कर 6000 बार ने 60 माला इन बीजाक्षरों का मंत्र जप करता है उसके ऊपर रुद्रदेव प्रसन्न होते ही है, ऐसा रावण संहिता के साथ साथ नारद भगवान ने माता पार्वती ने भी इस मंत्र को प्रसन्न करने के लिए उपयोग किया था ऐसा शास्त्र कहता है। तो इन मंत्रों का आज शिवरात्रि है, रात के 12 बजे तक या 3 बजे तक भी अगर हम इसका मंत्र का 6000 बार जप करते हैं तो आज सहस्त्र लिंगार्चन के सामने करने पर ही रुद्रदेव प्रसन्न होते हैं ऐसा कहा गया। जब आत्मलिंग लेकर शिव जी जा रहे थे तो नारद फुसफुसा रहा था कि प्रभु ये आपने क्या किया, अभी संकट से कौन निवारण करे, आपका आत्मलिंग यहाँ से चला गया तो हमारा क्या होगा। नारद गणेश जी के पास वे गए और कहा, संकट निवारण करने वाले प्रभु आप कुछ करो। बोले क्या, वो आत्मलिंग लेके जा रहा है रावण और वो जाकर लंका में स्थापित करेगा तो यह कैलाश में क्या रहेगा, आप उसे रोको कुछ ना कुछ करो।